बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है साड़ी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद कर जी तो सारे ठीक हो। सो अलहमदुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है तो रात भाई बिजली काफ़ी तंग है, बड़ी सुस्ती जी बनी होती, उठा नहीं जाता। लेकिन बच्चे बुच्चे जड़े हैं वो बेचारे सच्चे बच्चे स्कूल जाते, छुट्टियां होनी को नहीं पाई तो उन्होंने ममदा के भी सुबह उठा उठा के उठे ही नहीं, उनकी तबीयत खाना छाना ही नहीं खा रही सी, गर्मी बहुत ज़्यादा बन गई है। तो जो स्कूल वाले कह रहे थे हाले तक 15-20 दिन होर मकसद स्कूल लगे रहने, भाई थोड़े जड़े ने उल्टा कह रहे थे नहीं टीचर ने बात करते तो स्कूल छुट्टियाँ होने करनी चाहिए बच्चों। अस्सलामुअलैकुम, की हाल है तुहाडा? सारे का ठीक हो? वधिया अलहमदुलिल्लाह सब ठीक है। अल्लाह पाक सब नूं सुख सेहत देवे। तो गर्मी दे विच बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं फिर पानी अच्छा नहीं मिलता ठंडा, उसे जाके फिर मसला बनता है बच्चों, तो फिर दो यानी दिन लो बहुत चलती है बच्चों स्कूल आना, फिर आके घर यानी कि जो आते तो फिर उन्होंने खाने का दिल नहीं करता, फिर को खाना बच्चे को नहीं खा रहे। तो वैसे भी हम जून की अज 8 तारीख हो गई है जी, लेकिन बहुत मुश्किल हुई हुई बारिश कुछ हो गई नहीं, बारिश होती तो फिर तो कुछ ना कुछ मसला हल होना सी, लेकिन हालात बड़ा मुश्किल होया यानी कि गर्मी इतनी बिजली को नहीं आती। तो खसूसन एक पैगाम हैगा कि इन दिनों बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए है, बच्चों टाइम तो छोड़ना टाइम तो लैना स्कूल चाहिए ताकि बच्चे गर्मी तो बचे रहन। बाद तो इदा होंगे कि बच्चे छुट्टियां हो जाए घर आ जाते बच्चे तो वो फिर घरों बाहर निकलने नहर से नहाते अगे पीछे काफ़ी सारे मैं देखे बच्चे फिरते होंगे गलियां के बाहर फिर रहे होंगे, लेकिन ये साढ़े उत्ते जिम्मेदारी होगी बच्चों की केयर करना, तो हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी हैगी। तो बच्चों की खसूसन पैगाम हैगा कि गर्मी के बच्चों की गर्मी से बचाव का ख्याल रखना चाहिए जी। वैसे छुट्टियाँ होनी चाहिए, अगर जून स्टार्ट हो गया अगर अल्लाह पाक सब वास्ते कामयाबी दे जी इंशाल्लाह। एक पैगाम सी खसूसन यानी कि बच्चों के केयर करनी चाहिए हैगी, बड़े ने भी गर्मी से बचने चलो बड़ा जी सोचा तो दिन है मम्मा दा कि बिल्कुल खाना छोड़ी खड़ा फिर ओके से वजह तो गर्मी की वजह से जब गर्मी से हम दिन वापस तो खाना अगो आके खाने को नहीं, फिर बाद एक बिजली और मसला बना रहे सारी रात बिजली रहने कोई नहीं है, वो घर भी अगर खेड़ा सुकून है घर भी यही मसला चल रहा। वे तो फिर भी कुछ ना कुछ कवर कर लें जाए कि गर्मी हुई तो फिर कुछ देर तक कपड़ा लै लिया टोपी लै ली, लेकिन बच्चे जो बच्चों को तो इदा लगता भी ज्यादा गर्मी लगती क्यों नहीं, लेकिन जो बच्चे गर्मी लगती है तो फिर उन्होंने पेट खराब हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाएगा है जिन्होंने आम लोगों के हैदा चक्कर टाइप कहते हैं, लेकिन इस वजह तो पानी का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए और बचना चाहिए गर्मी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब दे वास्ते आसानी करे जी, बच्चे छुट्टी हो जाए करे ना अल्लाह पाक बारिश दे जी, अल्लाह पाक बारिश दे, बारिश साडे को तो होंदी कोई नहीं पई, अल्लाह दे गबड़ियां दुआएं मंगी दे अल्लाह ताला मंजूर करे सी, अल्लाह बारिश देवे ना और कुछ सही हो सा, बहुत गर्मी पाई बहुत गर्मी बेहद गर्मी पाई, बच्चे बेचारे की करे आज ऐसा बच्चे ने बल्ले नहीं आज रहा है। अल्लाह पाक भी सब वर्ष आसानी करे चार की वीडियो तक मैं शेयर की थी, खसूसन बच्चों को गर्मी से बचाना चाहिए, अपना ख्याल रखा अपने बच्चों का ख्याल रखा, इनके अगली वीडियो फिर आते रहोगे इन्हें तक अल्लाह।